हेलो एवरीवन, वेलकम टू द थ्रॉटल कस्टम। तो आज हम होंडा हॉर्नेट के पुराने और नए स्पार्क प्लग में कंपैरिजन बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले पुराने स्पार्क प्लग में देखिए स्पार्क कितना कम आ रहा है, जिसकी वजह से कंबशन पूरी तरीके से नहीं हो पाता है और माइलेज पे इफेक्ट पड़ता है। अब हमने इसमें नया स्पार्क प्लग जो है वो इंसर्ट कर दिया है। अब हम नए स्पार्क प्लग का कंपैरिजन करेंगे पुराने स्पार्क प्लग के स्पार्क से। चलिए तो देखते हैं। इसमें स्पार्क डेफिनेटली थोड़ा सा ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से सिलेंडर के अंदर प्रॉपर कंबशन होगा और वो अल्टीमेटली गाड़ी के माइलेज को इंक्रीज करेगा। तो चलिए अब हम थोड़ा इंस्पेक्ट कर लेते हैं नए स्पार्क प्लग के स्पार्क का। देख सकते हैं आप, इसमें काफ़ी सारे स्पार्क आ रहे हैं और सिर्फ पुराने वाले में सिर्फ एक स्पार्क आ रहा था। तो यही डिफरेंस होता है। और कंबशन से मैं आपको समझाता हूँ, जो एयर और पेट्रोल का मिक्सचर कंबशन सिलेंडर के अंदर जाता है वो पूरी तरीके से बर्न हो, इसलिए स्पार्क प्लग में स्पार्क अच्छा होना चाहिए। आप पुराने और नए स्पार्क प्लग में डिफरेंस देख सकते हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा ऑयल भी लगा हुआ है और देख सकते हैं उसमें निशान भी पड़ गए हैं। तो ये एक टाइम के बाद आपको स्पार्क प्लग चेंज करवा लेना चाहिए। मोस्टली वो टाइम होता है 6 मंथ। आप 6 मंथ से ज़्यादा स्पार्क प्लग को गाड़ी में, स्पार्क प्लग किसी भी व्हीकल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपने देखा होगा कई कई व्हीकल्स होती हैं जिनमें वाइट कलर का धुआं आने लगता है या फिर ब्लैक कलर का धुआं आने लगता है, तो वो प्रॉब्लम स्टार्ट यहीं से होती है। अगर आप अपनी बाइक का स्पार्क प्लग काफ़ी टाइम तक चेंज नहीं करवाएंगे तो उसमें सही से कंबशन नहीं होगा, पेट्रोल और एयर का मिक्सचर सही से जलेगा नहीं, जिससे कि धुआं जो है ब्लैक या वाइट कलर का निकलेगा। इसकी एक और प्रॉब्लम हो सकती है, आप अपनी बाइक का ऑयल काफ़ी टाइम से चेंज न करवा रहे हो, तो उस वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। इंजन असेंबल एंड डिसअसेंबल कोर्स के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस कोर्स में आपको 100% प्रैक्टिकल वर्किंग सिखाई जाएगी, तो अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं तो ये कोर्स ज़रूर करें।